बेरोजगारी और कमरतोड़ महंगाई से आम जनता पिस रही है। वर्तमान में सत्तासीन पार्टी जहां फ्लाईओवर बिल्डरों के द्वारा बनाई गई बड़ी बड़ी बिल्डिंग रिवर फ्रंट को विकास बता रहा है, वहीं विपक्ष निशाना साधते हुए 2023 के चुनाव में भाजपा के सफाई की बात कर रहा है। दरअसल कॉलेज चौराहे में दो होर्डिंग लगी हुई हैं। इन होर्डिंग में एक होर्डिंग कांग्रेस शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू के द्वारा लगवाई गई है, जिसमें लिखवाया गया है, नया साल नई सरकार, कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। ठीक उसी होर्डिंग के पास में ही भाजपा नेता गौरव तिवारी ने कमलनाथ की फोटो के साथ अपनी फोटो लगाते हुए लिखा है, कमलनाथ जी को मुबारक हो नया साल, 2023 में कांग्रेस का फिर होगा बुरा हाल। इन दोनों होर्डिंग चर्चा का विषय बनी थी विराट 24 के द्वारा खबर दिखाए जाने के बाद। जैसे ही कांग्रेसियों को जानकारी हुई तो कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू कॉलेज चौराहा पहुंचे और राजेंद्र शुक्ला के द्वारा लगवाई गई अन्य होर्डिंग पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि कॉलेज चौराहे के पास राजेंद्र शुक्ला के द्वारा होर्डिंग लगवाई गई है, जिसमें लिखा है, सबका साथ सबका विकास, आपका विश्वास हमारा प्रयास। उक्त होर्डिंग पर निशाना साधते हुए शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने कहा कि राजेंद्र शुक्ला जी का ही विकास हुआ है और सिर्फ उनके चहेतों को लाभ मिला है। काहे का विश्वास और कैसा प्रयास, जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। शहर के विकास और लगी होर्डिंग को लेकर आइए सुनते हैं शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू ने किस तरह से राजेंद्र शुक्ला को आड़े हाथों लिया है और क्या प्रतिक्रिया दी है। युवा में होर्डिंगों का दौर चल रहा है, खूब होर्डिंगों में विकास दिख रहा है। जहाँ भी आपने हमको बताया यहाँ पर कि सबका साथ सबका विकास करके होर्डिंग लगाई गई है, क्या हकीकत बताना चाहते हैं आप, क्या है इसमें? आदरणीय पत्रकार जी, मैंने आपको खुद इस नए वर्ष पे कॉलेज चौराहे पे बुलाया, उसके पीछे बड़ी वजह ये थी कि पूरे शहर के अंदर होर्डिंगें लगी हैं, उस पर लिखा हुआ है सबका साथ सबका विकास। उसमें एक होर्डिंग देखिए राजेंद्र शुक्ला जी की है, उस पर लिखा है सबका साथ सबका विश्वास, आपका विश्वास हमारा प्रयास। तो मेरा तो पहला क्वेश्चन है सबका साथ सबके विकास में कि आदरणीय मंत्री जी 18 वर्षों में आप पहले ये बता दिए सबका साथ सबका विकास, विकास आपका हुआ या समदड़िया का हुआ या आपसे जुड़े हुए भूमाफियाओं का हुआ जिन्होंने कौड़ियों के दाम पे जमीन खरीदी और बेच दी। इसके अलावा और लोग कौन हैं, उनके 5 लोगों का नाम आप मुझे बता दिए जिनका आपने विकास आम आदमी का किया हो। मैं उन 5 लोगों का आपसे नाम जानना चाहता हूँ। सौर ऊर्जा प्लांट को लेकर नागेंद्र सिंह जी खुलेआम बोल रहे हैं कि सबका साथ सबके विकास में हमारी बत्ती गुल हो गई। नागेंद्र सिंह जी बोल रहे हैं हमारी बत्ती गुल हो गई। रीवा जिले के रोजगार के चाहने वाले जो बेरोजगार हैं उनको सौर ऊर्जा में रोजगार नहीं मिला। फिर लिखा हुआ है आपका विश्वास हमारा प्रयास, आपका विश्वास। मंत्री जी आपको बताना चाहता हूँ, ये बैरियर लगा हुआ है, ये 15 वर्षों से रोड नहीं बन पाई, ये आपका विश्वास है और इसी को आप प्रयास बोल रहे हैं। 15 वर्षों से आप रोड नहीं बनवा पाए, वाह, सबका साथ सबका विकास में तो आपने अपना घर बन लिया मंत्री जी, आम आदमी का घर नहीं बन पाया। तो आपसे निवेदन है कि अब परिवर्तन की लहर चल चुकी है, अब हमें 2023 में आने दीजिए, फिर हम सबका भी काम करेंगे, विकास भी करेंगे और आम आदमी का दिल भी जीतेंगे। जिस तरह 100 रुपये का बिजली का बिल देके आदरणीय कमलनाथ जी ने दिल जीता था। क्या लगता है आपको, रिवर फ्रंट में टहलने से बेरोजगारों का पेट नहीं भरेगा, रोजगार नौकरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, ये विकास नहीं मानते क्या? रानी तालाब मंदिर का जो फ्रंट बना उसकी मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं बधाई देता हूं मंत्री को, लेकिन रिवर फंड में बधाई नहीं दूंगा। इको पार्क बन रहा है, लोग टहलेंगे। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, सुनिए, मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि रिवर फंड के मुद्दे पे मैं मंत्री जी को बधाई नहीं दूंगा। पीछे दो दो मंदिर हैं, वहां आप वहां रेस्टोरेंट खुलवा रहे हैं, वहां आने वाले समय में नॉनवेज वेज सब चलेगा, वहां बियर बार बनेगा और जो लोग जाएंगे, जो भी जाते हैं इंजॉय करने के लिए, पार्टी करने के लिए, वहाँ किस तरह का माहौल तैयार होगा। और आने वाले समय में जब प्रकृति अपने विकार रूप लेगी तो इको फ्रंट में किसी की दुर्घटना ना हो, ये हमें सोचना होगा। और वहाँ पे जो मंदिर की अस्मिता है, जिसको राम बोलते हैं, सीता बोलते हैं और हिंदू धर्म की बात करते हैं, वहाँ पीछे दो दो मंदिर हैं, वहाँ क्या क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबका साथ सबका विकास, आपका विश्वास हमारा प्रयास, आपका प्रयास अपने लिए है, आपका विकास अपने लिए है, आपका विकास सिर्फ सौंदर्य के लिए है, आम जनमानस के लिए नहीं है। जय हिंद, जय भारत।